पिछले अपने 10 साल की फिटनेस करियर की बात करूं, इतने मैसेजेस या इतने क्वेरीज इस चीज पे लिए हैं कि मेरा एक महीने के अंदर 15 केजी वेट लॉस करा दो, अगले महीने मेरी शादी है या अगले महीने मेरे भाई की शादी है, या बहुत सारे लोग एक दो महीने के अंदर 15-20 केजी रिड्यूस कर लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स भी तो जानने पड़ेंगे ना आपको, अगर आप इतने कम टाइम में इतना ज्यादा वेट रिड्यूस कर रहे हो। तो आज उन्हीं साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कम टाइम में ज्यादा वेट लॉस नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है, चाहे उसकी खुद की शादी क्यों ना हो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू लक्ष फिटनेस। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य मक्कड़। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा रैपिड वेट लॉस जो करने को देखते हैं आप हमें ऐसा बताते हैं कि अगले महीने आपकी शादी है, 15 केजी वेट लॉस कराना है। तो पिछले जो क्या एक साल आपके पास टाइम था उसमें क्या आप सो रहे थे? अब आपको शादी है तो आपने लहंगों में फिट आना है, अपने सूट में फिट आना है, या मेल है तो आपने कोटमेट में फिट आना है। तो अब आप एक महीने में कुछ नहीं कर सकते। आप 15 केजी आप एक महीने में रिड्यूस तो कर लेंगे, पर वहां पे आप चक्कर खाते हुए गिरेंगे। उस फिटनेस का, उस लाइफस्टाइल का कोई भी फायदा नहीं है। उसके साइड इफेक्ट्स ही साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा। जनरल बातें मैं बताऊं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। आप पूछते हैं आप घर पे आपकी बेटी को या बेटे को गुस्सा क्यों आ रहा है? जी ये तो वेट लॉस कर रहा है, खाता ही नहीं कुछ सारा दिन, तो खाने को ही पड़ेगा। आप खाने को पड़ते हैं बहुत ज्यादा, आपको कोई भी नॉर्मल बात भी बोलता है आप उसको ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन जनरेट होते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाती, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं मिल रही, तो आप बरसेंगे और क्या करेंगे। तो कुछ ऐसी जनरल साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं जो आप वेट लॉस करते हुए साइड इफेक्ट्स को फेस करते हैं। नंबर वन पे आता है हमारा मसल लॉस। जब इतने आप लो कैलोरिक डाइट के ऊपर जाएंगे उसके अंदर क्या न्यूट्रिशन होगा, आपका मसल ही लॉस होना है। मसल को प्रॉपर प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, एडिक्वेट प्रोटीन चाहिए होता है, एडिक्वेट कार्ब्स चाहिए होते हैं, एडिक्वेट फैट्स चाहिए होते हैं। जब आप न्यूट्रिएंट्स की कम सप्लाई करेंगे तो आपका मसल लॉस ही होने वाला है। मसल आपका अगर लॉस होगा तो मैं पहले ही आपको बता दूं आपका वेट वो बाउंस बैक करेगा, क्योंकि जितना आपकी बॉडी के अंदर मसल मास होता है उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर होता है, और मेटाबॉलिज्म आप सब जानते हैं आपका फैट बर्निंग इंजन है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो फैट आप गेन करते रहोगे, तो अगर आप वेट लॉस कर भी लोगे बाद में वो बाउंस बैक कर ही जाएगा। नंबर टू साइड इफेक्ट है डिहाइड्रेशन। आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा जिसकी वजह से आपकी स्किन क्वालिटी खराब हो जानी, आप पीले पड़ जाओगे। बहुत सारे लोग हमें ऐसा आके बताते हैं कि स्किन क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो एक यही रीजन है कि आपने कम टाइम में बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस किया। नंबर थ्री न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जानी है, विटामिन डी कम हो गया, विटामिन ए कम हो गया, ऐसी कुछ चीजें कम हो जाएंगी, फिर कहेंगे हमें दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई कहां से देगा जब आपने खाया ही कुछ नहीं है? तो कुल मिला के आपको न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होने वाली, क्योंकि आपने खाया ही बहुत कम है। नंबर फोर मेटाबॉलिक चेंजेस। पहले पॉइंट में भी कवर किया था कि आपका जो मसल मास है वो कम हो जाएगा। अगर मसल आपकी बॉडी में कम है तो आपका मेटाबॉलिज्म नीचे हो जाएगा, जितना आपकी बॉडी के अंदर मसल मास होता है उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर होता है। बहुत सारे लोग हम ऐसा देखते हैं पतले हैं और वो खाते रहते हैं, फिर उनका फैट गेन नहीं होता क्योंकि उनके अंदर मसल मास है। पहले उनकी बॉडी पे मसल्स को खाना सप्लाई होता है, फिर जाके बॉडी में फैट कन्वर्ट होता है। जब मसल्स को ही आपका खाना सप्लाई हो जाएगा तो आपकी बॉडी में फैट नहीं बनेगा, तो आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस करते हैं। नंबर फाइव पे आता है मेंस्ट्रुअल इंबैलेंसेस। वुमेन्स की अगर मेंसेस की बात करें तो उनके मेंसेस इररेगुलर हो जाते हैं। अगर आपके इररेगुलर मेंसेस हैं तो आप देखते होंगे कि आपने न्यूट्रिएंट्स को ठीक से बैलेंस नहीं किया। जब भी आप अपने न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को काटेंगे, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से बॉडी में नहीं सप्लाई करेंगे, तो आपके मेंसेस हैं वो इररेगुलर हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए आपको अंदर से आपको अच्छे दिखना है, आपको बाहर से अच्छे दिखना है। नंबर सिक्स के ऊपर बात करें तो आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। हेयर्स को भी एडिक्वेट प्रोटीन चाहिए होता है, हेयर्स की अच्छी हेल्थ को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपने डाइट में दिए नहीं है, अब आपके क्या हो जाने हैं, हेयर लॉस हो जाने। नंबर सेवन पे आता है स्ट्रेस या डिप्रेशन होने लगेगा आपको। आप कुछ खा नहीं रहे हैं, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग नहीं हो रही है, नॉर्मल बातों को भी ज्यादा रिएक्ट करेंगे, छोटी सी टेंशन होगी उसको बहुत बड़ी टेंशन आपकी बन जाएगी। अगर आप बहुत कम टाइम में ज्यादा वेट लॉस करने को देख रहे हैं तो ये चीजें बहुत सारे लोगों ने फेस की है, उसके बाद मुझे बताई है लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस कि बहुत सारे लोगों ने कम टाइम में वेट रिड्यूस कर तो लिया था, ये चीजें आई थी। तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो साथ में फ्री में मिलने वाला है आपको। अब देख लेना आपको कम टाइम में ज्यादा वेट लॉस करना है या नहीं करना। नंबर एट पे बात करें हेडेक। आपको सारा दिन सिर दर्द होने लगेगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो सुबह खाना नहीं खाते सारा दिन सिर दर्द होता रहता है, अपने सिर को पकड़ के काम करते हैं जो भी काम करते हैं। तो अगर आप एडिक्वेट खाना नहीं खाएंगे, आपको भूख दो चपाती की है या भूख प्रॉपर एडिक्वेट मील की है, आपने आधी चपाती और थोड़ा सा सैलड खा लिया है, क्या कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, आपका हेडेक ही होना और क्या होगा। नंबर नाइन पे बात करते हैं हम इरिटेशन। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर आप कुछ खाएंगे नहीं खाने को ही पड़ेंगे। अगर किसी ऐसे बंदे को जिसने न्यूट्रिएंट्स छोड़ रखे हैं कुछ नॉर्मल बात भी बोलेंगे वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो वो पर्सन इरिटेटेड सा रहेगा, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए है ही बहुत जरूरी। नंबर 10 और लास्ट जो आप साइड इफेक्ट फेस करेंगे वो है फटीग। सारा दिन आप थके थके रहेंगे, जानते हैं कि आप प्रॉपर अपने बॉडी को सप्लाई नहीं देंगे कार्बो
कार्बोहाइड्रेट्स का, तो आप थका थका फील करेंगे। अगर अच्छे वे से वेट लॉस करना चाहते हैं तो कभी भी कम टाइम में ज्यादा वेट लॉस ना करें। ऑल इन ऑल वीडियो का कंक्लूजन बता दूं, बीइंग ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन की आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने जो 10 साल का एक्सपीरियंस बताया है, जो हमारे फूड है उसके अंदर बहुत ताकत है आपकी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी को रन करने के लिए, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए। आप अच्छे दिखते हैं, आप ग्लोइंग दिखते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बेस पे करते हैं। एक्सरसाइज भी दूसरा पार्ट है, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप अच्छे तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक महीने में 3 kg से ज्यादा कम करने को ना देखें, उसके साथ ये सारे साइड इफेक्ट आने वाले हैं फ्री में। अगर आप एक बैलेंस डाइट और वर्कआउट प्लान को देख रहे हैं तो 1000 पर मंथ हमारे चार्जेस हैं। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ही हमने प्लान बनाया हुआ है। आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूंगा, एनरोल कर सकते हैं। क्या देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे उन दोस्तों के साथ कम टाइम में ज्यादा वेट लॉस करना चाह रहे हैं। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर हमें फॉलो कर दें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।